देखिए आज हम लोग बना रहे हैं फिर से छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी। आज हम लोग पूरे दिन में क्या करेंगे क्या नहीं इसके बारे में बनाऊंगी। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी फ्री है, आज 6 साल कंप्लीट होके 7 साल चल रहा है, रनिंग में अभी आएगा। तो देखिए आप दुआ में याद रखिए कि ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में 6 साल हमारे अच्छे से गुजर गए हैं, वैसे आगे भी जाए वगैरह। और आज मैं आपके साथ जो भी हम लोग पूरा दिन करेंगे और शेयर करेंगे, और इसी के अंदर एक आपके लिए छोटी सी रेसिपी भी रहेंगी, दाल गोश बनाएंगे आज हम, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पूरा आपकी इस दुआ में याद रखिए, मिलती हूँ आगे आपके साथ कुछ और जो भी करेंगे पूरे दिन का सफ़र लेके। इसलिए मैंने, मेरी बेटी का नाम है अलीज़ा, तो मैंने रखा है अलीज़ा का सफ़र, मतलब उसके सिवा तो मेरे कुछ है नहीं है। देखिए दूध पी रही है वो, इसलिए पूरी नहीं कवर हो पा रही है। बताइए ना कि मैं दाल गोश बना रही, तो देखिए इसका ये सामान है। ये देखिए यहाँ पे दाल मैंने इस तरह भिगा के लिया, अभी मैं बॉईल करूँगी, इसलिए मैं इतना ही दिखा रही हूँ। जो भी गरम मसाला वगैरह जो भी है मैं आपको दिखाऊंगी इसी में, मतलब पूरा रेसिपी में आएगा इसका। ये देखिए ये है दाल, ये 50 ग्राम दाल है, तो भीग के 100 ग्राम हो गई। इसके अंदर ही मैंने तुअर की दाल और लाल मसूर की दाल भिगाई हूँ। लाल मसूर की दाल है कितना मी, 150 ग्राम, और तुअर की दाल है 50 ग्राम। ये 1 किलो गोश है, उसके लिए मैं 3 कांदे लूँगी इस साइज के, और देखिए 1 किलो पूरा 1 किलो कद्दू है। तो मैं इसको पूरा तैयार करके रेडी करके हरा मसाला वगैरह मैं जो भी मसाले लूंगी वो बताती हूँ आपको। देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मैं रेसिपी डालूंगी कि गरम मसाला हम लोग घर में कैसा पीसते थे। देखिए ये है जीरा, साजीरा, अम्मी इसको क्या बोलते हैं, जावित्री फूल, लौंग, दालचीन, इलायची, मीठी इलायची, ये अपना जावित्री चक्री फूल, ये बड़ी इलायची, ये सबको हम अच्छे से पीसे। इसमें काला मिर्च नहीं डाला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे काला मिर्च भी आ गया है मैंने, तो ये अभी हम लोग पीसे। और यही मसाला हम लोग अमटी वगैरह में जो भी है उसमें हम लोग यही मसाला यूज़ करेंगे। अभी हम लोग दाल गोश वगैरह जो भी हम लोग गोश का सालन वालन जो भी बनाते हम लोग यही मसाला इस्तेमाल करते, बिरयानी वगैरह में भी सब हर चीज़ में हम लोग यही मसाला इस्तेमाल करते। आप लोग देखिए बनाइए खाइए बताइए कमेंट करके कैसा लगा मसाला। इस तरह पीस के हो गया है और थोड़ा सा बारीक करके लेंगे बस। ये देखिए ये मसाला तैयार है, क्योंकि दाल गोश्त में वगैरह सब में डालना है ना, इसलिए मैंने इसी ब्लॉग के अंदर ही इसको शूट कर रही हूँ, अलग से इसका वीडियो नहीं बना रही हूँ। अभी तो सब तैयारी चल रही है, मैं पूरा बताती हूँ आपको। ये ना दाल गोश्त के साथ बना रहे काजू किशमिश जीरा राइस। तो ये देखो काजू फ्राई करने रखे, काजू फ्राई होने के बाद मैं जब बघार देंगे ना किशमिश वगैरह का, तब मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अभी जीरा डाल रहे, काजू हमने भून के ले लिया है फ्राई करके। देखिए किशमिश भी हमारा फ्राई हो रहा है, किशमिश भी डाले हैं। देखिए बारीक आंच पे हमें इस तरह फ्राई करना है उसे, और अभी हम लोग इसमें दिखाती हूँ मैं क्या क्या डालेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा बगर तैयार है, तो अभी हम लोग इसमें डालेंगे, मैं 1/2 किलो ये ले रही राइस, बासमती राइस। तो इसके लिए मैं हमें कितना लेंगे, 2 गिलास से ज़्यादा थोड़ा पानी लेंगे ना, 2 गिलास से थोड़ा मतलब 1.5 गिलास पानी लेंगे, और गर्म पानी है, और गर्म पानी हमने लिया है, आप चाहे तो ठंडा भी ले सकते हैं। गर्म पानी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है यहाँ पे हरी मिर्ची हम लोग डाल रहे हैं कटिंग करके, 3 हरी मिर्ची डालेंगे हम लोग। पुलाव है ना, तो वैसे किशमिश वगैरह तो मीठा ना लगे इसलिए अंदाज कर दो, 2 ज़्यादा तीखी देंगी, तो 2 ही डाले हम लोगों ने हरी मिर्ची। और अभी यहाँ पे कोथिंबीर डालेंगे और राइस पलटी कर देंगे। देखिए यहाँ पे हरा धनिया डाला हुआ कट करके, अभी इसे अच्छा बॉईल आ जाएंगे तो हम लोग डालेंगे चावल हमारे। देखो अभी डाल नमक, यहीं पे नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। देखिए इस तरह राइस डाल, देखिए अभी पूरा चावल डाल के कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दम पे रखने के टाइम पे। ये देखिए इस तरह हो रहा, हमें काजू है ना वो थोड़ा रुक के ही डालना है, दम पे रखेंगे तभी, मैं तो पानी में डालेंगे तो उसका पूरा जायका खराब हो जाएगा। मैं आई हूँ हमारे छोटे से बगीचे में पुदीने के, देखिए मैं यहाँ से ऐसे पुदीना निकालूंगी, दाल गोश के लिए इम्पोर्टेंट है पुदीना। देखिए मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, हमने उसके कांडिया लगाए थे, अब इसके अंदर हमने मिर्ची लगाए हैं, थोड़ी जगह कम है पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो जाता है, हम ऐसे गमले उमले करते हैं।
ये देखिए हम लोग फिर से आ गए। हाँ तो बगार का है ना, बगार में बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह कद्दू कट करके लिया है, दाल जो मैंने आपको दिखाई थी वो गला के ली हूँ, ये चना दाल है और ये दोनों लाल मसूर और तुअर की दाल है। ये देखिए इमली का पानी और ये हरा मसाला, ये पुदीना है हमारा हरा भरा, टमाटो दो कटा हुआ और तीन प्याज जो मैंने आपको दिखाई वो मैंने कितने साइज़ के लिए, और ये लाल मिर्ची पाउडर और ये देखिए ये गरम मसाला पाउडर, वो भी मैं दिखाई हूँ कैसा पीसने का वो। ठीक है तो अभी हम लोग इसका बघार यहाँ पे देखिए तेल डाल चुके हैं, तो हम लोग अभी दिखाते हैं कैसा बनाते हैं दाल गोश्त। गोश्त तो मेरा कुकर में देखिए यहाँ पे गल रहा है, इसे नहीं दिखाने था, बोले दाल गोश्त का, गोश्त कहाँ पे, सिर्फ कद्दू और के दाल बना रहे क्या। ये देखिए यहाँ पे प्याज हम लोगों ने डाल दिए डेक्चे में फ्राई होने, ये देखिए यहाँ पे दम पे आया है, तो अभी हम लोग डालेंगे काजू इस तरह और हल्का सा हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे तो राइस पूरा टूट जाएगा। हाँ मैं हल्का हिलाऊँ, सिर्फ ऊपर नीचे हल्का हल्का करना है। तो यहाँ पे राइस बन रहा है, यहाँ पे सालन की तैयारी मतलब दाल गोश्त की तैयारी चल रही है, बस अभी हम पे दम पे रखना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर डाला, पर मैंने नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरी बेबी की आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है ना, तो बार बार आवाज़ देती वगैरह, तो वहाँ पे जा रही हूँ तो ज़्यादा शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग मैनेज करके लेंगे, मुझे पता है मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पे क्योंकि ये मैंने पूरा जार का मसाला डाल दिया, अब इसको भून के लूँगी, उसके बाद मेरे बाकी के मसाले डालूँगी। देखिए मेरा यहाँ पे हरा मसाला भी इस तरह भून के हो गया है, अब मैं इसमें दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या डालूँगी, है ना, मुझे समझ ही नहीं रहा है। देखिए अभी मैं इसमें जो गोश्त गल गया था ना उसको डालूँगी, पानी के साथ ही मैंने डाला है। इस तरह हिला के लूँगी और अब इसी मोमेंट पे मैं इसके अंदर जो लौकी जो कट करके रखा था ना उसे मैं डालूँगी। देखिए यहाँ पे इस तरह मैंने पूरा पलटी कर दिया, एक किलो गोश्त के लिए मैंने पूरा एक किलो कद्दू लिया है, क्योंकि हमारे घर में ना लौकी कद्दू जो भी है बहुत पसंद है, हम लोग गोश्त मिले ना मिले दाल गोश्त का लौकी ज़रूर मिलना चाहिए। देखिए इस तरह मैं 5 मिनट इसे ढक के रख दूँगी और फिर दिखा। देखिए मैंने यहाँ पे 1 मिनट के अंदर ही खोल दिया है और मैं अभी यहाँ पे थोड़ा मसाले डाल के फिर वापस 5 मिनट के लिए इसे 4-5 मिनट के लिए बंद करके रखूँ। देखिए साथ ही साथ मसालों का भी जायका आएगा ना, सूखे मसालों का, इसके लिए मैं डाल रही हूँ। लाइट भी नहीं है आज, आज पता नहीं बरसात जो बहुत हो रही है, देखिए आवाज भी आ रही है कितनी जोर जोर से। बगैर कैसे दूंगी ना वो भी मसाला मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत बहुत टेस्टी लगता हूँ मसाले में। मैंने बात करते करते ना दाल डाल दी थी अंदर, इसलिए सॉरी। हाँ ये देखिए मैंने दाल उसके अंदर डाल दी है इस तरीके से, अब ये बॉईल अच्छा आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँ। कद्दू लगभग हमारा गल गया है, अभी 5 मिनट के अंदर दाल में भी गलेगा। ये देखिए कितना मस्त कलर लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कोथिंबीर डालूंगी, हरा धनिया जैसे, देखिए और फिर बघार के बाद डालूंगी। और यहाँ पे जैसे बॉयल आएगा ना मैं इमली का पानी डाल दूंगी अंदर, ये देखो इमली का पानी डाल दूंगी यहाँ पे मैं। आज मैं बहुत गड़बड़ी कर दी हूँ, नहीं सही सही वीडियो का, क्योंकि मैं दाल डाली तभी मैं फोन पे बात कर रही थी ना, केक ऑर्डर कर रही थी इसके लिए। देखो जैसा भी बन रहा है ब्लॉग आज ये कर रहे, बरसात भी बहुत हो रही है। देखिए हमारे यहाँ पे दाल गोश्त गल गया, तो अभी हम लोग इसको बंद करके बारीक रख के यहाँ पे बघार तैयार करेंगे। तो देखिए ये कड़ी पत्ता जो हमको बघार के लिए, और ये मसाला है इसमें भून के लिया हुआ है जीरा भुना हुआ, धना भुना हुआ, आपकी धनिया जो आती है ना धना, उसे भून के मिर्ची को भून के पीस के रखा हुआ है हमारे पास मसाला। ये हम लोग बघार में सूखी मिर्ची डालने के बदले हम लोग ये मसाला डालते हैं, बहुत टेस्टी लगता है इस मसाले में बोल के। और ये देखिए
ये हमारी गार्निशिंग के लिए पुदीना और कोथिंबीर कट कर रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ताज़ा घी लिया है, फिर हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसमें बघार देंगे। कड़ी पत्ती कर रहा है, अभी हम लोग उसमें मसाला डालेंगे और पट से बल्टी मारेंगे। नहीं देखो, मैं डालूंगी गार्निशिंग इसकी। देखिए मैंने पुदीना भी कट कर दिया था इसी में, हमारे बगीचे का मतलब हमारे गमले का हरा हरा पुदीना मस्त एकदम। देखिए यहाँ पे हल्का सा इसे ढक के रख दूंगी, दाल को तैयार है। हम बर्तन धोते हैं, खाना बनाए हैं तो बर्तन भी तो धोना ही पड़ेगा ना। तो हम तब तक किचन की क्लीन करते हैं, फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोगों ने क्या बनाया है। आई दाल गोश बनाया है, शादी की सालगिरह की रेसिपी दाल गोश पर बहुत उल्टा पुल्टा हो गया, सॉरी ना उसके लिए, क्योंकि आज मेरी बेबी की थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, तो पता नहीं आज मेरे से क्या क्या हुआ है। जो भी एडजस्ट करके देख लेना और लाइक कीजिए ना गाइस, आप लोग लाइक नहीं कर रहे तो मैं नहीं कर रहे, मुझे कैसे पता चलेगा। या फिर मुझे तो लगता है आप लोग नहीं चाहते मैं ब्लॉग और वीडियो बनाऊं, अगर ऐसा चाहते हैं आप लोग मैं बनाऊं, मैं कुछ करूं, अगर आप लोग हमें देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर और कमेंट दोनों की चीज़ दीजिए। मैं आपको डिश आउट करके और शाम का पूरा जो भी हम लोग करेंगे वो दिखाऊंगी। यहाँ पे मुझे तो आज लग रहा था केक वेक कुछ भी नहीं मिलेगा, जो बरसात बहुत हो रही है। फिर मैंने फ़ोन लगाया, हमारे यहाँ पे एक बेटी है, हमारे पैसे ना घर के पीछे ही है, और तो मैंने उनको फ़ोन लगाया कि केक मिलेगा, तो उन्होंने बोले हाँ क्यों नहीं, मैं भाई भिजवाता हूँ बनवा के घर पे, वो लोग ला के देंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे ला के देंगे। क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने डिश आउट किया है, मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है। अभी हम लोग चलेंगे खाना खाने। ये देखिए दाल गोश्त, देखिए राइस, आप लोग भी आइए खाना खाने। खाना खाने के बाद शाम की ब्लॉग में मिलती हूँ, फिर से मैं आप लोग शाम का सफर दिखाती हूँ। गाइस खाना खाने के लिए देखिए मैं जो आप बनाए आप लोग भी बनाकर खाना, अभी लोग भी कैसे बना मैं देखती हूँ। सब लोग वापस शुरू ही किया क्योंकि अभी घर में सब सोए, मैं थोड़ा मार्केट जाके आती हूँ। देखो मैं केक लेने आई हूँ, केक अभी ये बना रहे हैं लोग, तब तो मैं कैंडल वैंडल लेके चली जाती हूँ, आई हूँ बाजार में। तो मैं रेडी हूँ, मैंने साड़ी पहनी है अपने निकाह में जो पहनी थी मैंने वो, देखिए यहाँ पे यही ब्लाउज है जो मैंने अपनी शादी में पहना था, देखिए। और मैं बहुत दुबली थी, पर ये हमारे टेलर का कमाल है कि उन्होंने मुझे ब्लाउज सीधा करके दे दिया है, मतलब बहुत हद तक उन्होंने मुझे लूज करके दिया है। मैं बाद में दिखाऊंगी उन्होंने क्या पैटर्न किया उसका। ये देखिए मसाली सब रेडी है, यहाँ पे केक भी है आया हुआ, हम लोगों ने सिंपल सा किए कि मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे रहते नहीं, तो इतना नहीं, नॉर्मली बच्चों को खाने के हिसाब से हमने जो भी किया है वो किया है, मैं दिखाऊंगी आपको। हमारा छोटा सा डेकोरेशन एकदम सिंपल तरीके से किया हुआ। चलो पकड़ो पकड़ो तीनों ने, पकड़ो पापा पकड़ो, वीडियो कर रहा है इनको, फोन लगा। देखिए अभी हम लोग केक काट रहे हैं, नहीं लग रहा इनको फोन, चालू से रिंग चालू उठाने दे। हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी 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 एनिवर्सरी। गाइस आप सब थे इस बार, हम थे ये और थे, हैप्पी बर्थडे। नहीं बाबा उठा नहीं रहे, ये पार्टी है, मम्मी
चलिए देखो भी खिलाऊंगी, देखो कैसे खिलाऊंगी, कैसे कोई वाइडी है इस। रुको सबर लो, सबर लो, हाथ नहीं लगा ले, सबर लो। अच्छा दादी अस्सलाम वालेकुम। ओ आप किससे कहा मैं खा रही हूँ देखो। भाई ये अली ले भाई, ये को पहचान दे। अरे भाई मैं बोली इसे कोने बोलेंगे देखो, ये मोबाइल में है और मैं यहाँ पे अरे पेन चालू कर, मैंने क्या पेन ही देखे नहीं। जैकिन कौन है? ओ ही जो दरवाजे में बैठ के केक खाई थी कई बार। हाय गाइस वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। देखो मैं तुम लोगों को केक खिलाती। अलग खड़े वीडियो करी। मैं यही एंडिंग लूंगी ब्लॉग की। अब मैंने आज ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बरसात बहुत थी, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। जानते जितना हुआ उतना मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं सोच रही थी कि नहीं करूँ ये ब्लॉग शेयर, पर मैं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी लास्ट एंडिंग है। देखते अगर कुछ हुआ, कुछ बन पड़ा, अगर बरसात कम हुई तो हमारा एक प्लान था बाहर डिनर करने जाने का, तो अगर होता है तो हम लोग ज़रूर जाएंगे, अगर बरसात कम हुई तो। नहीं तो यही मेरी एंडिंग रहेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आप लोगों का साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और दुआ में भी याद रखिए, आप लोग भी खैरियत रहिए, आप लोगों के भी ऐसे छोटे छोटे पलों में हमको शामिल कीजिए। अभी मेरी आलिजा होमवर्क करेंगे ना बाबू, होमवर्क करने के बाद हमारा प्लान होता है, हम ज़रूर जाएंगे बरसात कम होने के बाद डिनर करने, तो हम दिखाएंगे, नहीं तो यही हमारे एंडिंग रहेंगी। खुदा हाफिज़। बरसात कम हुई हम लोग जा रहे होटल। अब ये लास्ट एंडिंग नहीं है तो मैं वो भी डालूंगी क्योंकि वो उस कपड़े की लास्ट थी, इस कपड़े की है। अभी हम लोग जा रहे खाना खाने बाहर। अलीसा सीधा बैठो बेटा, जब भी बैठ के खाओ। हाँ जूस भी मंगाएंगे। होटल से खा भी के एक लंबा राउंड मार रहे। अलीसा तो घर पे चली गई, क्या कुछ उसने तो कुछ खाई नहीं। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा जो भी सूप वगैरह यही लाइट से ही लिए क्योंकि आज दोपहर में भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। दाल गोश वगैरह खाए थे ना इसके लिए, और फिर मूड भी नहीं था क्योंकि केक वगैरह खाए थे मीठा था इसके लिए। चलिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये तो एनर्जी ब्लॉग था और कुछ नया नया ब्लॉग बनाएंगे ऐसे ही कुछ ना कुछ।